In this video, we will see about the surface tension, that is the sessile drop, and what is the Kunkey's method for determination of surface tension of any sessile drop. Last two video में हम लोगों ने surface tension और surface tension के properties और different types of curvatures, planes के बारे में हम लोगों ने देखा. और लास्ट फिर जेगर्स मेथड से कैसे हम सरफेस टेंशन फाइंड कर सकते हैं वो हम लोगों ने देख लिया. आज हम लोग देखेंगे कि जो नॉन विस्कस फ्लूइड होता है, दैट मीन्स मर्क्यूरी या डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसके सिमिलर फ्लूइड्स होते हैं, वैसे फ्लूइड्स को हम लोग कैसे विद द हेल्प ऑफ क्विंकीज मेथड से हम लोग उसका सरफेस टेंशन फाइंड कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यू सी व्हाट इज सेसाइल ड्रॉप. तो अभी तक हम लोगों ने देखा जो वाटर जो एक लिक्विड है, इस लिक्विड का जो प्रॉपर्टी है कि ये किसी भी सरफेस में गया है तो सरफेस को ये क्या करता है, सरफेस को ये वेट करता है, दैट मीन सरफेस के कांटेक्ट में ये आ जाता है. लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर भी मटेरियल्स या लिक्विड्स होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, जिसमें से एग्जाम्पल है मर्क्यूरी, लेकिन ये वेट नहीं करता है. वेट मतलब कहने का मतलब कि उसको भिंगोता नहीं है सरफेस पर. ये अगर हम लोग इसको देखे होंगे तो ये पर्टिकुलरली एक जगह से दूसरी जगह आराम से ये मूव कर सकता है. तो इस तरह के ड्रॉप्स को हम लोग कहते हैं सेसाइल ड्रॉप्स. सो द शेप ऑफ ए ड्रॉप डिपेंड अपॉन द कंबाइंड एक्शन ऑफ द सरफेस टेंशन एंड द ग्रेविटी. सरफेस टेंशन और ग्रेविटी दोनों पे ये डिपेंड करता है. व्हेन द सम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इज पोर्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सॉलिड सरफेस व्हिच डज नॉट वेट, जो इसको भिंगोता नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मर्क्यूरी इन द ग्लास प्लेट, ए मॉडरेटली लीस्ट ड्रॉप इज फॉर्म्ड. लीस्ट ड्रॉप फॉर्म होगा क्योंकि ऑब्वियसली अगर स्मॉल ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी होंगे तो ड्यू टू विस्कोसिटी के प्रॉपर्टी के चलते क्या होगा, दो स्मॉल ड्रॉप बनके एक बिगर ड्रॉप बनाएगा. सो द मॉडरेटली लीस्ट ड्रॉप इज फॉर्म्ड व्हिच अपर सरफेस इज हॉरिजॉन्टल. इसका जो अपर सरफेस होता है जो वो हॉरिजॉन्टल होता है. And there is always a point at the edge where the tangent to the surface is exactly vertical. जब में एक point ऊपर में एक point होता है जो edge के form में होता है, और इसको actually यहाँ पे हम लोग tangent draw कर सकते हैं. So this is a sessile drop. उसी में एक है मेरा mercury. और mercury का हम लोग surface tension कैसे find करेंगे, with the help of Kunkey's method. So this method is useful in is determining the surface tension of mercury. Since mercury does not weight glass plate, when a small mercury is placed on the surface, the drop is spherical in size and shape due to in surface tension is formed. However, when the size of the drop is large, the drop becomes flat. Drop jo hai wo flat ho jata hai jab size jo hai drop ka kafi zyada hota hai. It means that टॉप एंड बॉटम सरफेस आर प्लेन. इसका टॉप और बॉटम सरफेस जो होता है वो क्या होता है, प्लेन होता है. एंड द साइड्स आर कर्व्ड. इसके साइड्स जो होते हैं कर्व होते हैं. नेक्स्ट डायग्राम में हम इसके डायग्राम भी देखेंगे. इट हैज मैक्सिमम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट द सम प्लेन फ्रॉम द ग्लास सरफेस. सो एक तरह का यह सेसाइल ड्रॉप या मर्क्यूरी का ड्रॉप है. जैसे हम लोगों ने कहा इसके साइड सरफेस जो कर्व होते हैं, और किसी भी पॉइंट पे ए ऊपर के प्लेन सरफेस में ऊपर का सरफेस हॉरिजॉन्टल, नीचे का सरफेस हॉरिजॉन्टल है, और एज जो होते हैं इसके एज भी होते हैं. तो ये हम लोगों ने इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू एक लिया हुआ है. ये ग्लास प्लेट है जो हमारे इस नोटेशन से है, ये ग्लास प्लेट है, और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इसका जो है के है, जिसमें हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. इस टेंजेंट को एम और एन से डिनोट किए. अल्फा जो है मेरा एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट है. नाउ ये प्लेन सरफेस तो ऑब्वियसली ऊपर का सरफेस हॉरिजॉन्टल, या इसको हम लोग रेक्टेंगुलर सरफेस भी कह सकते हैं स्पेसिमेन को. तो ऊपर में एक स्पेसिमेन है, नीचे में है, और इसका डिस्टेंस जो है दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस है वो डी है. मान लेते हैं ये जो पॉइंट है सी पॉइंट से लेकर बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है एच, और बी पॉइंट से लेकर ई पॉइंट मतलब टोटल सरफेस का टोटल जो ड्रॉप है उसका डिस्टेंस है एच. अब इस ये जो इसमें टेंशन लग रहा है, ये टेंशन जो है टी है. तो इस टी का हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी यहाँ पर ले सकते हैं. इसको हम लोग आगे और डिटेल में ड्राइव करेंगे. तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टी कॉस थीटा, और इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट टी साइन थीटा हमारा. सो
तो द एवर फिगर रिप्रेजेंट द सेक्शन ऑफ द ड्रॉप, एक सेक्शन है ड्रॉप का, कट बाय द वर्टिकल प्लेन्स ए बी ई एफ. हम लोग प्लेन को अलग अलग करके डिनोट किए हैं, तो पहला प्लेन है हमारा ए बी ई एफ, ए बी ई एफ ये वाला प्लेन, ठीक है, ए बी ई एफ ये यहाँ पे मुझे पहला प्लेन. नेक्स्ट प्लेन इज पी जी ई बी, नेक्स्ट प्लेन इज पी, नेक्स्ट जी, ठीक है, ई बी ये वाला प्लेन, ठीक है. एंड नेक्स्ट एंड थर्ड प्लेन इज ए एफ के एल, नेक्स्ट प्लेन है हमारा ए, ठीक है, उसके बाद एफ के, ठीक है, और एल ये वाला, ठीक है, ऊपर ये वाला प्लेन हम उसको कह सकते हैं. These planes are perpendicular to the glass surface. ये प्लेन जो है perpendicular है glass surface पे. The plane IJCD, एक बीच में हम लोग एक और प्लेन लिए हैं, डॉटेड पोर्शन से दिखा रहे हैं, IJCD फिगर में डिनोट हो रहा है ये डॉटेड लाइन से, corresponds to the plane of maximum area of cross section. मतलब IJCD का जो प्लेन है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है सबसे ज्यादा है, मतलब सबसे मैक्सिमम एरिया को ये कवर कर रहा है. लेट दिस प्लेन इज एट द डेप्थ एच, ये तो प्लेन है पूरा डेप्थ एच पे है ये वाला प्लेन, कौन सा, आई, जिसका मैक्सिमम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है आई जे सी डी, कैपिटल एच से डिनोट किए हैं इसको हम लोग. सो इट हैज मैक्सिमम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज एच फ्रॉम द टॉप सर्फेस ऑफ द ड्रॉप एंड द टोटल हाइट ऑफ द ड्रॉप फ्रॉम द हाइट सर्फेस. Now corresponding to the equilibrium of the portion of the drop above the plane IJCD, there are forces acting on this plane. IJCD पे कौन कौन से force हमारे लग रहे हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे. The first force is the force due to the surface tension. Obviously surface tension इस पे लगेगा due to the viscosity property. Acts perpendicular to the लाइन ए बी, सॉरी ड्यू टू विस्कोसिटी हम लोगों ने यहाँ पे क्या, ड्यू टू सरफेस टेंशन, ड्यू टू सरफेस टेंशन यहाँ पे फोर्स लगेगा. जो फोर्स है हमारा, फोर्स इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला, हम लोग सरफेस टेंशन इज इक्वल टू जानते हैं फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ होता है, तो लेंथ हमारा यहाँ ए बी इज इक्वल टू डी, सो फोर्स इज इक्वल टू टी इंटू ए बी, सो दिस इज टी इंटू डी. ए बी का हम लोग वैल्यू यहाँ पे ऊपर फिगर में है, ए बी का वैल्यू है यहाँ पे डी. ओके, द सेकेंड इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक तरह का फ्लूइड है तो इसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी लगेगा ड्यू टू द रेस्ट ऑफ द ड्रॉप एक्ट्स ऑन द राइट टू लेफ्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शन ए बी सी डी. और ये हाइड्रोस्टैटिक का क्योंकि हम लोग मीन वैल्यू लेंगे तो इसका मीन वैल्यू हो जाएगा हाफ. ऐसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है किसी का भी वो एच रो जी होता है, लेकिन हम चूंकि इसका मीन वैल्यू यहाँ पर ले रहे हैं तो मीन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो जाएगा हाफ एच रो जी. द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा ये जो है एक रेक्टेंगल है, ऑब्वियसली रेक्टेंगुलर शेप में है, और रेक्टेंगल का एरिया जो होता है वो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ और ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दिया एच इंटू डी हो गया. नाउ फोर्स, फोर्स इज मीन प्रेशर इंटू एरिया, तो मीन प्रेशर है मेरा हाफ एच रो जी और एरिया है हमारा एच इंटू डी, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया फोर्स हाफ, ये दोनों मल्टीप्लाई होके हाफ एच स्क्वायर रो जी टी. नाउ फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम करने के लिए कि ये जो फोर्स है किस फोर्स से बैलेंस्ड होगा, सरफेस टेंशन के फोर्स से बैलेंस्ड होगा, सो इक्वेशन वन और टू को हम लोग इक्वेट करेंगे, सो टी इज इक्वल टू हो गया, दोनों तरफ से टी डी कैंसिल आउट हो गया, सो टी इज इक्वल टू हो गया हाफ एच स्क्वायर रो जी, इक्वेशन नंबर थ्री. नाउ द हाइट एच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द ड्रॉप, स्मॉल एच जो हाइट है जो साइज ऑफ द ड्रॉप से इंडिपेंडेंट है. Now considering the equilibrium of whole section, अभी तो हम लोगों ने maximum area of cross section को consider किया था जिसका height हम लोगों ने h consider किया था. अब अगर पूरे को height को consider करें तो small h किससे replace होगा, capital H से replace होगा. So now the height h is the independent of the size of the drop. Now considering the equilibrium of the whole section ABF at point K, the surface tension act along the KB. KM डायरेक्शन में मूव कर रहा है, KM डायरेक्शन में यहाँ पे हमारा सरफेस टेंशन लग रहा है, ये पूरे सरफेस के लिए ये K है, सो KM जो है सरफेस टेंशन लग रहा है. तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ से यहाँ पर भी एक ऑपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगेगा, सो यही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि नाउ कंसिडरिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ होल सेक्शन ए बी एफ एट पॉइंट K, द सरफेस टेंशन एक्ट अलॉन्ग KM,
The reaction R acting along Kn its component parallel to the surface of the glass plot, और इसका हम लोग horizontal component क्या लेंगे जो figure में हम लोग देखेंगे T cos alpha along Kn. टोटल फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, पहले का फोर्स तो TD हम लोगों ने पहले कंसिडर किया था, लेकिन होल सेक्शन के लिए हमारा एक और फोर्स लगेगा, वो क्या होगा T cos alpha into D. ठीक है, ये हम लोगों ने फिगर में देखा भी है, यहाँ पे हमारे फिगर में है. तो पहले T है तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेरा क्या हो गया T cos alpha, क्योंकि T है जो इस डायरेक्शन में, ये अल्फा डिग्री एंगल बना रहा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ही हम लोग लेंगे सरफेस टेंशन के लिए. सो ये हो जाएगा T cos alpha. सो हमारा पहले TD, TD के साथ T cos alpha के टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हमारा हो गया TD plus TD cos alpha. TD कॉमन आओ, TD कॉमन ले लिए, सो 1 plus cos alpha इक्वेशन नंबर 4. नेक्स्ट ये हमारा टोटल सरफेस है, जैसे पिछले में हम लोगों ने फाइंड किया मीन प्रेशर और एरिया फाइंड किया, उस तरह से यहाँ पर भी मीन प्रेशर फाइंड करेंगे. तो वहां पे हम लोगों ने फाइंड किया था हाफ एच रो जी स्मॉल एच था, यहाँ पे स्मॉल एच जो है कैपिटल एच से रिप्लेस हो जाएंगे, बाकी सेम टर्म्स रहेंगे. तो यहाँ पर फोर्स हो जाएंगे हमारा फोर्स हाफ कैपिटल एच स्क्वायर रो जी. कैपिटल एच क्यों लिया, ये पूरा सेक्शन है, ये भी पूरा सेक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. वहां पे हम लोग मीन सेक्शन बात किए थे, इसलिए स्मॉल एच लिए थे. अब इक्वेशन 4 और 5 दोनों सेम है, ये भी फोर्स को डिनोट कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, ये भी राइट को इक्वेशन 5 के लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो इक्वेशन इक्वेटिंग 4 एंड 5 फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन. सो TD 1 plus cos alpha half h square rho gd. ठीक है, तो यहां से dd कैंसिल हो गया, तो T इज इक्वल टू हो गया half h square rho g डिवाइड बाय 1 plus cos alpha. ये हमारा इक्वेशन आया T इज इक्वल टू कैपिटल एच स्क्वायर रो जी डिवाइड बाई 2 टाइम्स 1 प्लस कॉस अल्फा. नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, 3 क्या था हमारा, इक्वेशन 3 था हमारा जो हम लोगों ने सरफेस टेंशन निकाला था टी के लिए फॉर्म में, और इक्वेशन 4 हमारा क्या था, इक्वेशन 4 था फोर्स के फॉर्म में. तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन 4 ना लिख के इक्वेशन यहाँ पे 6 करेंगे, 4 से कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग एक ने होल सेक्शन का फाइन किया और एक स्मॉल सेक्शन का फाइन किया, यहाँ इक्वेशन 6 होगा. तो एच स्क्वायर रो जी डिवाइड बाई 2, एच स्क्वायर रो जी प्लस 2 टाइम्स 1 प्लस कॉस अल्फा, तो मतलब फिर 2 कैंसिल आउट हो गए. रो जी के टर्म्स को भी हम लोग बाद में कैंसिल आउट कर देंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एच स्क्वायर रो जी 1 प्लस कॉस अल्फा एच स्क्वायर रो जी. नाउ ये मल्टीप्लाई होंगे फर्स्ट टर्म के साथ, तो एच स्क्वायर रो जी प्लस एच स्क्वायर रो जी कॉस अल्फा. तो नेक्स्ट हमारा एच स्क्वायर कॉस अल्फा, ये टर्म्स हमारा इधर चला गया. ठीक है, ये वाला टर्म हमारा राइट हैंड पार्ट में चला गया, तो एच स्क्वायर रो जी माइनस स्मॉल एच स्क्वायर रो जी, रो जी कॉमन लिए तो कैपिटल एच स्क्वायर माइनस स्मॉल एच स्क्वायर, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से एच स्क्वायर माइनस स्मॉल एच स्क्वायर रो जी डिवाइड बाई एच स्क्वायर रो जी, दोनों तरफ से रो जी कैंसिल. सो ये हो गया कैपिटल एच स्क्वायर माइनस स्मॉल एच स्क्वायर डिवाइड बाई स्मॉल एच स्क्वायर, कॉस अल्फा इज इक्वल टू हो गया यहाँ पे हमारा कैपिटल एच स्क्वायर स्मॉल एच स्क्वायर माइनस 1. तो इसका मतलब हम लोग कॉस अल्फा के टर्म्स को इस तरह से फाइंड कर सकते हैं. कैपिटल एच क्या हो गया, होल सेक्शन का हाइट हो गया ग्लास प्लेट से, और स्मॉल एच हो गया जो हमारा मैक्सिमम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो सरफेस था आई जे के एल का उसका हाइट हो गया. सो बाई डिटरमाइनिंग द एक्सपेरिमेंटली द वैल्यूज ऑफ स्मॉल एच एंड कैपिटल एच द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा द सरफेस टेंशन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी फॉर्मूला में पुट करके. इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख ले, एक्सपेरिमेंट सेटअप भी काफी इजी है. ठीक है, पहले ये मेरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है. सो ए लार्ज ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी इज टेकन ऑन द ग्लास प्लेट. ग्लास प्लेट में मर्क्यूरी का ये ग्लास प्लेट है, यहाँ पे मर्क्यूरी प्लेट लिए हुए हैं, देख रहे हैं कि ये कैप टोटल हाइट जो है सरफेस का वो कैपिटल एच है, और ये जो मैक्सिमम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जहां से सबसे ज्यादा एरिया होगा उसमें स्मॉल एच हम लोगों ने लिया. एक एक करके हम लोग देखेंगे डायग्राम को क्लियर करेंगे. सो ए लार्ज ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी इज टेकन ऑन द ग्लास प्लेट. एस इज द सोर्स ऑफ लाइट, एस जो है मेरा सोर्स ऑफ लाइट है जहां से लाइट पास ओरिजिनेट हो रहा है. P1 P2 इज द ग्लास प्लेट इंक्लाइन एट 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल. यहाँ पे ये P1 P2 जो है एक ग्लास प्लेट है जो 45 डिग्री एंगल के साथ यहाँ पे अटैच्ड है. ए माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन द ड्रॉप. यहाँ से एक माइक्रोस्कोप है, ये माइक्रोस्कोप है हमारा, ये ड्रॉप पे हम लोग फोकस करेंगे.
लाइकोपोडियम पाउडर इज स्प्रिंकल ओवर द टॉप सरफेस ऑफ द सरफेस, क्योंकि मर्क्यूरी के सरफेस को हमको देखना है कि कहाँ से मैक्सिमम हमारा डिफ्लेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है लाइट का, उसके लिए हम लोग लाइकोपोडियम पाउडर इसके ऊपर में स्प्रिंकल करेंगे, छिड़काव करेंगे टॉप सरफेस पे, सरफेस ऑफ द सरफेस एंड रीडिंग इज नोटेड डाउन, लेट इट इज अर्बन. ठीक है, नाउ द माइक्रोस्कोप इज लोअर्ड ग्रेजुअली एंड ब्राउट इट टू द पोजिशन वेयर द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द ड्रॉप इज मैक्सिमम. क्योंकि मैक्सिमम एरिया क्रॉस सेक्शन टोटल, पहले तो हम लोग टोटल हाइट देख लेंगे तो वो कैपिटल एच होगा. ठीक है, माइक्रोस्कोप से उसका रीडिंग नोट कर लेंगे, उसके बाद फिर हम इसको माइक्रोस्कोप को लोअर करेंगे और उस पॉइंट को सर्च करेंगे जहां पे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैक्सिमम, और मैक्सिमम मेरा यहाँ पे लाइट जो है डिफ्लेक्ट हो रहा है, वो जो पॉइंट होगा वो स्मॉल एच का वैल्यू उठेगा. सो नाउ द माइक्रोस्कोप इज लोअर्ड ग्रेजुअली एंड ब्रॉट इट टू द पोजिशन वेयर लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द ड्रॉप इज मैक्सिमम, लेट दिस पॉइंट इज आई, द सर्फेस ऑफ द ड्रॉप इज वर्टिकल एंड द बीम इज लाइट इंक्लाइन ऑन इट रिफ्लेक्टेड बैक हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल सर्फेस से ये मूव कर रहे हैं. एट द अदर पोजिशन ऑफ अ रिफ्लेक्शन टेक प्लेस ऑफ द अदर डायरेक्शन दिस रीडिंग इज आर टू. Now again microscope is lowered and reading R3 is noted corresponding to through the glass surface. मतलब सबसे हम लोग कहाँ कहाँ रीडिंग लेंगे, ये पहला वाला जो रीडिंग होगा ऊपर वाला रीडिंग वो मेरा R1 होगा, ये वाला रीडिंग जो होगा वो R2 रीडिंग होगा जो स्मॉल h के लिए होगा. ठीक है, ये पूरा हाइट जो है और ये जो रीडिंग सबसे लास्ट वाला गोवा सर्फेस के लिए होगा ये R3 होगा. तो ऑब्वियसली R3 और R1 से हमको कैपिटल H का वैल्यू फाइंड होगा और R1 और R2 से हमारा स्मॉल h का वैल्यू फाइंड होगा, जिसको हम लोग आगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन में देखेंगे. सो स्मॉल की देख लिए हम लोग, कैपिटल H इज इक्वल टू R1 माइनस R3 और स्मॉल h इज इक्वल टू R1 माइनस R3, ये पॉजिटिव वैल्यू है. नोइंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल H एंड स्मॉल h, इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, द वैल्यू ऑफ थीटा एंड टी इज कैलकुलेटेड, और जो मेरा इक्वेशन है उस इक्वेशन में इसका वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये है हमारा क्विंकीज मैथड, जहाँ से हम लोग सेसाइल ड्रॉप के का सरफेस टेंशन हम लोग इजिली फाइंड कर सकते हैं. इसके बाद के क्लास में हम लोग ग्रेविटी एंड रिपल वेव्स के बारे में देखेंगे, व्हाट इज ग्रेविटी एंड व्हाट इज रिपल वेव, व्हाट इज इट्स इक्वेशन, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी, एंड द लास्ट टॉपिक होगा हमारा वो होगा सरफेस टेंशन एंड इट्स डिपेंडेंस ऑन द टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ में सरफेस टेंशन का क्या वैल्यू चेंज करता है.